सो अंकित जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि पिंग पोंग पेमेंट्स मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है, वर्ल्ड लेवल की बात हो या फिर भारत की बात हो, सभी जगह पर अच्छा कर रहा है, और उसकी वजह है अंकित जी और उनकी टीम। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच राकेश जी। लेकिन मैं आपकी एक बात से थोड़ा सा अग्री नहीं करूँगा कि पिंग पोंग इंडिया में जो भी कर रहा है उसका उसका रीजन मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी टीम है आपकी। ये पूरा क्रेडिट आता है टीम को। राइट। सो अंकित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि दिल्ली में जो आपका इवेंट हुआ सर, उसके बारे में कुछ बताइए, कितना इम्पोर्टेंट, कितना खास था ये इवेंट आपके लिए? सर, दिल्ली का इवेंट हमारे लिए बहुत खास था। आपको पता है जैसे कोविड के कारण कोई भी कंपनीज इवेंट्स नहीं कर पाई, राइट? और इवेंट करना एक मुझे लगता है बहुत बड़ा सक्सेस होता है, बिकॉज आप इवेंट के थ्रू अपने कस्टमर से बहुत इजीली और बहुत एफिशिएंट तरह से इंगेज करते हैं। तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर कोविड, अभी मतलब मैं आपके सवाल का थोड़ा सा लेट में आंसर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ व्यूअर्स के लिए कि इवेंट हम क्यों कर रहे हैं और इन इवेंट करने के पीछे रीजंस क्या हैं। तो एक, हम हमारे कस्टमर्स के साथ बहुत एफिशिएंटली इंगेज करना चाहते हैं, हम हमारे कस्टमर्स के बिजनेस को समझना चाहते हैं। एट द सेम टाइम जब हम उनके उनका बिजनेस को समझेंगे तब हम कोशिश करते हैं रेलिवेंट सॉल्यूशन एक्सटेंड करने की। तो इन्हीं सब रीजंस के कारण हम लोग इस पूरे साल ऑफलाइन इवेंट्स की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने फॉलो करी है, जिसके अंदर अभी तक हम लोगों ने 7 इवेंट्स किए हैं और अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक मुरादाबाद में और किया है। तो यू नो, इस पूरे ईयर के अंदर हमारा एक ही फोकस है कि हाउ एफिशिएंटली वी कैन एंगेज विद अदर कस्टमर्स। राइट। ऑल्सो अगर दिल्ली वाले इवेंट की बात करें सर, जो मकसद था, कितने हद तक कामयाब हो पाया ये? सर देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमारा कोर पर्पस रहता है कि हम हमारे ऑडियंस से, हमारे सेलर से कनेक्ट करें, तो वो पर्पस तो हमारा सॉल्व होता ही है। एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी, अगर आप अपने सेलर्स को बोल रहे हैं आप इवेंट्स में आए, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विच वी कैन ऑफर टू देम, दैट इज यू नो इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो हमारा जिस तरह से हम लोग इवेंट्स को डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर हम लोग अलग अलग पार्टनर्स को हमारे पूल में रखते हैं, सो दैट जब एक कस्टमर, जब एक सेलर हमारा हमारे इवेंट में आए, उनको खाली पेमेंट्स की ही नॉलेज लेकिन कौन नॉलेज नहीं मिले उनको, एट द सेम टाइम लॉजिस्टिक्स में क्या हो रहा है वो भी पता पड़े, टैक्सेशन के अंदर क्या हो रहा है वो भी पता पड़े। बिकॉज बिजनेस अगर आप अभी ग्रो करने के हिसाब से हम देखते हैं तो बिजनेस खाली पेमेंट से ग्रो नहीं होता, राइट? बिजनेस ग्रो करने के लिए प्रोडक्ट है, सोर्सिंग है, आपका टैक्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल लॉजिस्टिक यू नो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया है। तो इसलिए हमारा पर्पस रहता है हम लोग कैसे एक पूरा पैकेज ऑफर करें हमारे कस्टमर्स को। जहाँ तक बात रही दिल्ली इवेंट की, तो दिल्ली के अंदर सर हम हमारा पर्पस खाली दिल्ली बेस्ड सेलर्स को कैटर करना ही नहीं होता, बिकॉज दिल्ली की पेरिफेरी अगर आप देखेंगे तो राजस्थान भी है, यूपी है, आपका पंजाब है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली इवेंट के अंदर हमारे पास सेलर्स जयपुर से भी आते हैं। We have seen sellers who have traveled, you know, all the way from Jaipur only for being a part of our Delhi event. At the same time, अगर आप उत्तराखंड में यूपी के अंदर जाएं, तो मेरठ, सहारनपुर, नगीना, रुड़की ऐसे शहरों से भी सेलर्स दिल्ली के इवेंट में आए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली इवेंट बहुत बहुत सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग इन सभी लोकेशन से सेलर को बुलाने में कामयाब रहे। एट द सेम टाइम जो फीडबैक हमारी सेलर्स कम्युनिटी ने हमें दिया इवेंट के बाद, वो बहुत अच्छा फीडबैक था। राइट। सर, जैसे आपने कहा कि दिल्ली से तो अच्छा फीडबैक मिला, लेकिन आपने कहा कि 7 जगह पर आप लोगों ने इवेंट किए, सर कस्टमर की क्या क्वेरीज थी, क्या रिस्पॉन्स था, अगर उस बारे में कुछ बताएं, क्या व्यूज थे उनके? सर देखिए, अगर आप ये बोलते हैं कस्टमर्स की क्वेरी क्या है, आप समझिए, हमारे जो कस्टमर है वो डायरेक्ट बिजनेसमैन है, राइट? एक बिजनेसमैन को अगर आप बात करनी है हमें उनसे एफिशिएंटली, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनका बिजनेस ग्रो करने में हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप कभी भी किसी भी बिजनेसमैन से बात कीजिए, एक चीज़ हमेशा आएगी और उनका सबसे इंटरेस्टेड एरिया यही होगा कि बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के पास बहुत सारे इनहाउस सपोर्ट होते हैं,
और कुछ सपोर्ट ऐसे होते हैं जो हम इन हाउस नहीं दे पाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक्सटर्नल पूल होता है। तो हम लोग उन्हीं उन्हीं हमारे एक्सटर्नल जो नेटवर्क है उनको लेवरेज करके हमारे कस्टमर्स की क्वेरीज का समाधान करते हैं। ऑल्सो सर, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो पिंग पोंग के क्या रिस्पॉन्स है वहाँ से, अगर उस बारे में कुछ बताएं हमें। सर देखिए, ग्लोबल लेवल के अंदर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी सन 2015 में। पिंग पोंग इज़ अ यूएस रजिस्टर्ड ब्रांड। तो हमारा हमारा जो स्टार्ट किया हम लोगों ने जर्नी, वो 2015 में यूएस से किया। अभी हमारा ग्लोबल स्पेस के अंदर यूएस, लग्जमबर्ग, वियतनाम, साउथ कोरिया, हांगकॉन्ग, चाइना, जापान, इंडिया, इन सभी लोकेशन के अंदर ऑफिसेज हैं और टीम मेंबर्स हैं। तो ग्लोबल स्पेस के अंदर हमारी प्रायोरिटी सर हर जगह ऑलमोस्ट यू नो फ्रॉम द पेमेंट पर्सपेक्टिव सेम रहती है कि लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट मार्केट। क्योंकि वियतनाम के कस्टमर्स जो हैं वो इंडिया के कस्टमर्स से मैच नहीं करते। एट द सेम टाइम इंडिया के जो कस्टमर्स हैं उनका रिक्वायरमेंट यूएस के कस्टमर्स से डिफरेंट होता है। तो हमारा पर्पस ये रहता है कि हम कैसे एफिशिएंटली सभी जगहों के अंदर प्रॉपर रिसर्च करें, और ऑन द बेसिस ऑफ आर रिसर्च हम हमारे सभी कस्टमर्स को एक बहुत एफिशिएंट प्रोडक्ट सॉल्यूशन ऑफर करें। बिकॉज हम लोग पेमेंट स्पेस के अंदर हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कोर पर्पस रहता है कि हाउ कैन वी मिनिमाइज आर कॉस्ट। बिकॉज पेमेंट स्पेस के अंदर कॉस्ट इज अ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट वर्टिकल, इट्स कैन नॉट बी निगलेक्टेड। तो इसीलिए हमारा प्रायोरिटी ये रहता है कि हम कैसे हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करें और कैसे हम लोग पूरे ग्लोबल स्पेस में सबसे कॉम्पिटेटिव सोल्यूशन रहें। एट द सेम टाइम पेमेंट के अंदर एक बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है सर, एंड इट कम्स टू पेमेंट, सब लोगों को लगता है कि पेमेंट जल्दी रिसीव होना चाहिए, राइट? तो हम लोग बहुत अग्रेसिवली काम करते हैं विद आर बैंक चैनल्स, दैट हाउ कैन वी मिनिमाइज द टर्न अराउंड टाइम। राइट। सर, अगर भारत की बात करें, भारत में 140 करोड़ की आबादी है, तो आपको लगता है कि उसमें से बहुत ही बड़ा मार्केट जो है भारत हो सकता है? बिल्कुल सर, आपने सही कहा, 140 करोड़ की आबादी है भारत के अंदर, और भारत का मार्केट बहुत पोटेंशियल है। आप देखिए, आप पिछले दस साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो ई कॉमर्स जिस स्पेस से ग्रो हुआ है, बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज है जो इंडिया के अंदर अभी एंटर होने का सोच रही हैं, राइट? तो द पोटेंशियल इज मैसिव। एट द सेम टाइम वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ रेलिवेंट सॉल्यूशन विच वी कैन एक्सटेंड टू इंडियन ऑडियंस। जैसे इंडिया की ऑडियंस है सर, आपने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा कि हम लोग अभी 7 शहर में इवेंट किया, तो हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रही, हम लोग टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सभी सिटीज को फोकस करना चाहते हैं। बहुत सी कंपनीज क्या होती है टीयर 1 तक फोकस करती है, लेकिन एट द सेम टाइम टीयर 1 के अंदर जो सेलर्स हैं उन लोगों को पता है क्योंकि उनको एक्सपोजर मिलता है, बट जो टीयर 2 में है, टीयर 3 में है, उन तक एक्सपोजर नहीं पहुँच रहा है। तो पिंग पॉन्ग का फोकस अभी ये है, हम कैसे लोगों तक पहुंच पाए और लोगों तक ये बता पाए कि हम खाली पेमेंट सॉल्यूशन नहीं है। पेमेंट सॉल्यूशन ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर लोग हमें उसी नाम से जानते हैं, बट एट द सेम टाइम वी डू होल लॉट ऑफ अदर स्टफ। सो यू नो हमारे जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ सेलर्स हैं वो हम लोगों को एज यू नो एज देयर ग्रोथ पार्टनर्स कंसिडर करते हैं। सर, अब जो है नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है पिंग पोंग के लिए, कौन सी सिटीज को आप लोग टारगेट करने वाले हैं इवेंट्स के लिए स्पेशली, क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रायोरिटी है वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 है। अगर आप देखेंगे अभी तक हम लोगों ने 8 महीनों में इस साल में ऑलमोस्ट 8 इवेंट किए हैं, ठीक है? उन 8 इवेंट्स के अंदर हम लोगों ने 4 इवेंट टीयर 1 के अंदर किए हैं, बाकी के जो रिमेनिंग इवेंट्स हैं हम लोगों ने टीयर 2 के अंदर जाने की कोशिश करी है और टीयर 3 के अंदर भी गए हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो हमारे रिमेनिंग इवेंट्स हैं ऑलमोस्ट हम लोग 6 इवेंट और करेंगे, और वो लोकेशंस होंगी सर रुड़की, कानपुर, करूर, आगरा, पानीपत, भदोही, इंदौर। इन सभी लोकेशन में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमें लगता है कि सेलर्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और हम लोगों को उनसे बात करना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए उनके बिजनेस को, एट द सेम हम लोगों को उनको एक रेलिवेंट सोल्यूशन एक्सटेंड करना चाहिए। राइट। सर, पिंग पोंग जो है दिन ब दिन अच्छा कर रहा है, लेकिन ऑडियंस को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, क्या क्या यूएसपी होगी पिंग पोंग की, अगर कुछ कहना चाहे जो एंटरप्रेन्योर्स है स्पेशली? सर देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, पिंग पोंग अभी बहुत अग्रेसिव अप्रोच में काम कर रहा है, और एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग वेरी गुड फीडबैक आल्सो फ्रॉम आवर सेलर्स कम्युनिटी। यू नो
when it comes to extending a single message to them, I would say that I would like to, you know, make them aware about the kind of vision which we have in India. You know, the growth of our business is purely dependent on the volumes which we will be getting from our sellers community, right? So we do a whole lot of stuff with an intention to grow the business of our sellers. हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अगर हमारे सेलर्स का बिजनेस ग्रो होगा, अगर हमारे कस्टमर्स का बिजनेस ग्रो होगा, फॉर श्योर हमारी कंपनी ग्रो होगी, क्योंकि हम लोग पेमेंट स्पेस में हैं. पेमेंट इज अ प्योर रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्स, और सेल्स ग्रो करने के लिए हम लोग फोकस करते हैं. तो मेरा मैसेज इंडिया के अंदर पिंग पोंग कस्टमर्स को रहेगा कि प्लीज कंसिडर पिंग पोंग एज वन ऑफ योर ग्रोथ पार्टनर. वी कैन यू नो डिजाइन सम टेलरमेड सॉल्यूशंस, and we already have designed some tailor-made solutions for, you know, couple of our sellers in the past. और अभी बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं स्पेस के अंदर. हमारे पास एक डेडिकेटेड वर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस. तो राकेश जी, हम लोगों के लिए एज अ पिंग पोंग इंडिया, हम लोगों के लिए कस्टमर का एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर, बट एट द सेम टाइम कस्टमर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहे हैं और दो महीने बाद अगर वो कस्टमर किसी भी कारणवश आपके पास नहीं रुक रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट टू यू नो इवन एक्वायर दैट मर्चेंट, राइट? सो आवर बिगेस्ट प्रायोरिटी इज दैट हाउ वी कैन रिटेन आवर कस्टमर्स. एंड यू नो विद अ ह्यूज प्राइड आई कैन से दैट 99% हमारे कस्टमर्स वो रिटेन है पिंग पोंग के साथ. तो ये एक चीज है, और मुझे लगता है कि ये रिफ्लेक्शन है बेस्ट बेस्ट सर्विसेज का. जैसे हमारा जो पेमेंट टाइमलाइन है वो बहुत फास्ट है. एट द सेम टाइम जैसे मैंने बोला आपको कि पेमेंट स्पेस में सारे कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि उनका पेमेंट जो रिसीव करने का एक्सपीरियंस है और जो कॉस्ट है वो कैसे बेहतर बन सकता है. right. तो right. हमारा कॉस्ट सबसे कॉम्पिटिटिव है अभी. ओके okay. तो इन्हीं सब रीजन से मैं बोलना चाहूँगा मेरे अपने कस्टमर्स को कि आप पिंग पोंग चुनिए, बिकॉज पेमेंट स्पेस जो है, पेमेंट टाइमलाइन जो है वो बहुत फास्ट है. जो कॉम्पिटिटिवनेस है पेमेंट का, जो हमारे कमर्शियल्स हैं वो बहुत कम है. एट द सेम टाइम पिंग पोंग आपके बिजनेस ग्रो करने के अंदर आपकी पूरी हेल्प करता है. जैसे हमारे पास कुछ सोल्यूशंस हैं इन हाउस, जो हम लोग इन हाउस टीम मेम्बर्स के यू नो हेल्प से एक्सटेंड करते हैं. और पिंग पोंग की आज की टीम हमारे पास परफेक्ट मिक्स है ई कॉमर्स का, लॉजिस्टिक्स का, फिनेंशियल यू नो इंडस्ट्री का. तो उन्हीं सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर्स को एक्सटेंड करते हैं. थैंक यू सो मच. आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से. पिंग पोंग और भी ज़्यादा ग्रोथ करें. थैंक यू सो मच.